उस प्रसाद से, प्रसन्नता के प्रसाद से खिन्नता दूर होती है, विकारों का आकर्षण दूर होता है। भगवान युद्ध के मैदान में प्रसन्नता की सलाह देते हैं। तो क्या करना है कि मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, जहां जहां मन जाए बस उसके पीछे आप न भाए, थोड़ा अभ्यास करें। भगवान की मूर्ति हो, स्वास्तिक हो, गुरुदेव की मूर्ति हो, जिसमें जिसकी श्रद्धा हो, एक टक देखें, कुछ देर बैठे रोज, इस प्रकार मन का निग्रह करें। मन इधर उधर फालतू में ले जाए तो उसको डांटे, अपने ठीक जगह पे लाए। रोग और बीमारी आ जाए तो बार बार मन रोग और बीमारी के तरफ जाए तो निग्रह करके मैं निरोग हूँ, बीमारी शरीर को है वो अपने आप ठीक होती है, मैं बीमार नहीं हूँ, इस प्रकार की भावना करने से भी बहुत सारी बीमारियों का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसी चिंता दुख जो भी आए और बड़ी कोई आपदा या मुसीबत आ गई तो एकांत रूम में चले जाए, भगवत आश्रय ले, अन्न जल का त्याग कर दे, 24 घंटे के अंदर बड़ी भयानक मुसीबत के सामने फाइट करने की अदृश्य सहायता परमात्मा देते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाए चुप होकर बैठ जाओ। एक कोई साधारण व्यक्ति थे और उनके साथ सीएम मेकर, सीएम बनाने वाला राजनेता, उसके पास गुंडे भी बहुत थे। राजनेताओं के पास तो जो सब कुछ होता है, सब किस्म के लोग होते हैं, पुलिस भी थी राजनेता के पास, होते वो थे, लेकिन उस पुरुष ने थोड़ा सा एकांत का आश्रय लिया तो सारे उनके आलम जो था वो सारा एक तरफ, और वो भगवान की सहायता की जरा जरा बूंद उनकी विजय हो गई। तो आपके अंदर ईश्वरीय सामर्थ्य बहुत है, आपको बचाने वाले समर्थ हाथ आपके नजीक है। मैं आपको क्या बताऊं, जब उसकी महिमा के विषय में आप हम थोड़ा सोचते ना तो हृदय दीवाना हो जाता है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, उसका ऐसा सामर्थ्य, आप मन प्रसाद पाकर उसके साथ थोड़ा एक होइए। बिहार में मुंगेर नगर जोरों का भूकंप पड़ा, हजारों बाजार वाले दुकानदार व्यापारी घूम रहे थे, उनको क्या पता ऐसा आएगा, भयंकर भूकंप हुआ, कई झटके लगे। बाद में तो सरकारी ऑफिसर और लेबर लगा, बुलडोजर लगे, जो भी लगना था, कई स्वयंसेवी संस्थाएं लगी, मलबा हटता गया, कहीं अर्धमृतक मिले तो कहीं मुर्दे मिले तो कहीं कुछ चोटें लगे हुए मिले लोग, कई लाशें निकलती गई, एक दिन दो दिन, अब तो जिंदा कहां से मिलेगा, लाशें ही लाशें। 15वां दिन हुआ, एक टुकड़ी जगह किसी जगह पर खोदने गई, खोदते खोदते जो मलवा हटा तो भीतर से आवाज आया कि भैया जरा संभल के। टुकड़ी के लोग हैरान हो गए कि 15 दिन हो गए, अभी जिंदा मनुष्य नीचे, मलबे के नीचे जिंदा मनुष्य कैसे, इतना खोद काम करने के बाद जिंदा मनुष्य कैसे हो सकता है, हमें भ्रांति तो नहीं, कोई भूत तो नहीं बोल रहा है। अपने मुखिया को, बॉस को लाए, वॉलंटियर, सावधानी से खोदते खोदते गए तो उसकी टांगे दिखी, उसका फिर पीठ दिखी, उसके बाल दिखे, धीरे से सब हटाकर उसको उठाया, कोई खास खरोंज नहीं लगी, और आदमी प्रसन्न, बोले भाई क्या ये, तू कैसे 15 दिन तक मरा नहीं, ऐसे कैसे पड़ा। बोले बाबूजी क्या कहूं, मैं सत्संग सुनता था, जोरों का झटका लगा, मैं केले बेचने वाला हूं, जोरों का झटका लगा, मैंने अपना बलबुता छोड़कर उसकी शरण ली कि अब तेरे सिवा मेरा रक्षक कोई नहीं, दबाव से मैं धरती में गड़ा, नीचे ऊपर सारा मलबा गिरा, मेरा दम घुटने लगा, मैंने क्या, तू चाहे तो बचा सकता है, और कौन आएगा यहां बचाने। दूसरा झटका लगा और मलबे के बीच एक छोटी सी दरार पड़ी, शुद्ध हवा और सूर्य की किरण पहुंची, सोचा कि अब मैं खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, तो भूखा मर जाऊंगा। नजर गई कि केले का टोकरा भी मेरे साथ ही मेरे पास मुंह के आगे पड़ा है, पीऊंगा क्या। तीसरा झटका लगा और जिस बिल्डिंग पर ऊपर टंकी थी उस टंकी का पानी यहां जो खड्डा है उसमें आकर पड़ा,
रोज केले खाता गया और पानी पीता गया, जीता गया। 15वां दिन हुआ, आज केले भी खत्म हो गए, पानी भी खत्म हुआ। मैंने कहा तू अगर चाहे तो बचा सकता है, मैं तेरी शरण हूँ। आपकी टुकड़ी को प्रेरणा हुई और यहाँ आप खोदने को चले आए। जब आवाज सुना तो मैंने देखा कि मेरी पुकार तूने सुनी है, इसलिए उनको भेजा है। इस सृष्टि का रक्षक समर्थ हाथों वाला परमात्मा जल में, थल में, कण कण में। इलाहाबाद में अल्फट पार्क, अल्फट पार्क में बालक दास महाराज रामायण की कथा करते। एमए पढ़कर पीएचडी करने आया हुआ एक लड़का श्यामलाल सक्सेना उसका नाम, पादरियों के चक्कर में आकर सैंपल सेक्शन अपना नाम रख दिया उस मूर्ख ने। हिंदू धर्म का की खिलाफत का जहर पादरियों ने उसको घोल घोल के पिलाया था। गीता सच्ची नहीं है, भागवत सच्चा नहीं है, ग्रंथ साहिब सच्चा नहीं है, साधु संत सच्चे नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति बड़ी पावरफुल है। पहले हमारी संस्कृति से हमारा मुख मुड़ेगा, तभी उनके संस्कार हम पर हावी होंगे और हम उनके गुलाम बनेंगे, जयराम जी के। इसीलिए उन गौरों ने, उन मिशनरियों ने संस्कृति पर ही कुठारघात किया। विवेकानंद जैसे महापुरुष के लिए भी कुछ का कुछ छपाया, कुछ का कुछ प्रचार किया। रामतीर्थ के लिए भी और साधु संतों के लिए, रामायण और कृष्ण और राम के लिए जो बक सकते हैं वो दूसरे के लिए चुप कैसे रहेंगे। तो श्यामलाल सक्सेना सैंपल सेक्शन बन गया था और उसके दिल दिमाग को इतना तो हिप्नोटाइज कर दिया उस व्यक्ति को, इतना जहर घोल दिया कि वो भारत के साधु संतों को ऐसे ही मानता था, डोंगी है, पाखंडी है, बेवकूफ है, फलाने ढेंगने। भारतीय शास्त्र और भगवान को भी वो गालियां देता था। वो पढ़ा लिखा गधा पहुंच गया बालक राम महाराज, बालक दास महाराज की कथा में और अंट संत प्रश्न करने लगा कि ये कथा सच्ची नहीं है, क्योंकि रामायण सच्चा नहीं है। बोले रामायण सच्चा है, क्यों सच्चा नहीं? बोले रामायण लिखा था तभी तुम बाबा नहीं थे, तुम्हारी आंखों के सामने तो नहीं लिखा था, फिर तुम किस दावे से कहते रामायण सच्चा नहीं? वो बालक दास बेचारे बोले भाले महात्मा। बोले भाई तुम चाहे कछु कहो, हम तो जय जय सियाराम जय जय सियाराम करेंगे और रामायण की चौपाया पढ़ेंगे, जो हमें आयत वो सुनाईत, तुम्हें अच्छा लगे सुनत रही, नहीं तो तुम तुम्हारी करो हम हमारी करें। लेकिन वो जाके अठवाड़े अठवाड़े उनको तंग करता। उस जमाने के एक दैनिक पत्र के संपादक श्री भट्ट जी भी वो महाराज की कथा सुनने बाग में आए थे, जा बैठे। देखा कि इस सैंपल सेक्शन का, श्यामलाल सक्सेना का कुतर्क महाराज को तंग करता है, तो भट्ट जी ने उसके सारे तर्कों को खंडित कर दिया। भट्ट जी ने कहा ये महाराज भोले भाले, इसलिए तू अपना डिंगम हाँकता है, बोल तेरा कोई भी प्रश्न है जो मैंने नहीं काटा हो। बोले भट्ट जी आप दैनिक अखबार के मुख्य संपादक